आगे हम देखते हैं वो लोग पहुंच जाते हैं प्रिंस के घर पे। प्रिंस का घर काफ़ी बड़ा होता है और थोड़ा पुराने टाइप का होता है, तो यहाँ पे फाउ से देख के काफ़ी हैरान होता है, कहता है तुम मुझे कहाँ पे लेके आए हो, सच में क्या ये तुम्हारा घर है? प्रिंस कहता है हाँ ये मेरा घर है। और चलो जब वो घर में एंट्रिंग करते हैं तो काफ़ी मतलब थोड़ा सा जो उनका कल्चर है उस टाइप का घर होता है, वो देख के हैरान होता है। वहाँ पे एक नेम प्लेट वगैरह लगी होती है, उसे नाम को पढ़ के यहाँ पे कहने लगता है फा कि मैंने ये कहीं सुना है, तो प्रिंस फिर उसे डिटेल में बताता है। तो यहाँ पे जो ये प्रिंस है ये बिलोंग करता है थाईलैंड की रॉयल फैमिली से, ये जान के हैरान होता है यहाँ पे फा और कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं प्रॉपर तरीके से तैयार होके आता। प्रिंस कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उसकी मॉम आती है प्रिंस की, जो बिल्कुल थाईलैंड वाला ड्रेसअप रखती है और काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर फा उन्हें काफ़ी हैरानी से देखता रहता है। आगे हम देखते हैं वो लोग बैठे रहते हैं, तो यहाँ पे फा कहने लगता है कि आपका घर काफ़ी अच्छा है मतलब और मुझे बहुत पसंद आया। तो यहाँ पे जो प्रिंस की मॉम होती है वो प्रिंस से कहने लगती है कि प्रिंस तुमने अपने दोस्त को बताया नहीं कि हम लोग और लोगों की तरह बातें नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये सुन के थोड़ा परेशान हो जाता है फा और कहता है आई एम सॉरी माई लेडी, मुझे पता नहीं था कि आप लोग किस तरीके से बातें करते हैं, मतलब माफ़ी मांगने लगता है। ये देख के यहाँ पे प्रिंस की मॉम हंसने लगती है और कहती है मैं मजाक कर रही थी, और उससे कहती है तुम नॉर्मल तरीके से बातें कर सकते हो। यहाँ पे फिर प्रिंस कहता है अपनी मॉम से कि मॉम आपने ये ड्रेस कहाँ से लिया है, काफ़ी अच्छा है। उसकी मॉम कहती है ऑनलाइन मैंने अभी मंगवाया है, मुझे काफ़ी पसंद आया। और फिर कहती है जाके मैं अपने नॉर्मल कपड़े पहन के आती हूँ, वो वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ सुन के फा काफ़ी कन्फ्यूज होता है और पूछता है ये सब क्या हो रहा है। तो प्रिंस बताता है मेरी मॉम प्रैंक कर रही थी तुम्हारे साथ, उन्हें ये सब कुछ करना अच्छा लगता है और ऐसी कोई बात नहीं है। आगे हम देखते हैं प्रिंस उसे अपने साथ अपने ऑफिस में लाता है और उसे दिखाता है कि मैं यहाँ पे बैठ के रीड करता हूँ। तो वो सब कुछ देख के यहाँ पे फा कहने लगता है वाओ इसका मतलब ये है कि तुम्हारा सिर्फ नाम ही प्रिंस नहीं है, एक्चुअली तुम खुद एक रियल प्रिंस हो। यहाँ पे उससे कहने लगता है प्रिंस की ऐसी बात नहीं है, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीता हूँ। फा यहाँ पे कहता है अच्छा तो फिर वो एक्सपेंसिव बैग और वो परफ्यूम वो सब। तो यहाँ पे उसके लिए फिर सॉरी कहने लगता है प्रिंस की मैंने तुमसे वो सब कुछ छुपाया था और झूठ बोला। फा कहता है कोई बात नहीं मैं समझ सकता हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी किसी को इस बारे में नहीं बताता। आगे हम देखते हैं उसकी मॉम आ जाती है यहाँ पे प्रिंस की और फा से कहने लगती है कि मैं तुम्हें इसके बचपन की फ़ोटोज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे वो उसके कुछ फ़ोटोज़ दिखाते हैं जिनमें उसने कपड़े नहीं पहने थे। तो प्रिंस कहने लगता है मॉम आप इन्हें क्यों दिखा रही है, मुझे एम्बेरस फील हो रहा है। यहाँ पे उसकी मॉम कहती है बेटा इसमें एम्बेरस फील करने वाली कौन सी बात है, तुम दोनों बॉयफ्रेंड्स तो हो। यहाँ पे वो कहता है ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती है अच्छा ऐसी बात नहीं है, तो जब भी तुम मेरे पास माउंटेन से कॉल किया करते थे तो हमेशा फा के बारे में ही बातें किया करते थे, वो क्यों करते थे तुम अगर तुम दोनों बॉयफ्रेंड्स नहीं हो तो। यहाँ पे ये सुनने के बाद जो फा होता है वो काफ़ी खुश हो रहा होता है। यहाँ पे फिर कहने लगता है प्रिंस मॉम आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और वो फा से कहता है कि तुम बोलो ना कुछ। तो यहाँ पे फा कहने लगता है प्रिंस की मॉम से आंटी ये मेरे बारे में क्या क्या बातें करता है जरा बताना। तो उसकी मॉम बताती है कि तुमने इसकी हेल्प की थी जब ये बेहोश हो गया था, इसके सर पे स्पाइडर था उसे हटाया था, मतलब बहुत कुछ बताने लगती है। तो एकदम से प्रिंस अपनी मॉम को रोकता है, कहता है प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, तो फा कहता है तुम अपनी मॉम से बातें करो मैं कार लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे जो प्रिंस की मॉम होती है वो फा से कहती है कि तुम काफ़ी हैंडसम और लवली हो, साथ में यहाँ पे एक सर्वेंट के साथ भेज देती है फा को कि इन्हें एक नई कार दे देना, वो तो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंस की मॉम उसे कहने लगती है कि तुम्हारी चॉइस काफ़ी अच्छी है मुझे पसंद आई डॉक्टर फा, और यहाँ पे कहते हैं तुम दोनों जल्द ही बॉयफ्रेंड्स बन जाओ। प्रिंस मना करता है कि ऐसी बात नहीं है, उसकी मॉम कहती है सब नज़र आ रहा है मुझे अब कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उसकी मॉम कहने लगती है आज तुम अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रहे हो ना, वो कहता है हाँ, तो यहाँ पे तुम्हें अपना एक्स बॉयफ्रेंड भी मिल सकता है। तो यहाँ पे प्रिंस कहता है डोंट वरी अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं वहाँ पे कार लेके आ जाता है फा, तो यहाँ पे अपनी मॉम को बाय बोल के जाने लगता है वहाँ से प्रिंस। आगे हम उन दोनों के एक साथ रेस्टोरेंट में बैठे हुए देखते हैं जहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक नया पर्सन आता है सिन के नाम से जो कि फ्रेंड है प्रिंस का। प्रिंस उसे देख के ज़्यादा खुश नहीं होता, यहाँ पे वो उससे हाय हेलो करता है और बातें करने लगता है, साथ में कहता है क्या तुम्हारा दोस्त हमें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ सकता है क्योंकि मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। यहाँ पे प्रिंस तो कुछ नहीं कहता फा से, लेकिन फिर फा खुद ही कह देता है ठीक है तुम बात कर सकते हो और वहाँ से दूर चला जाता है। तो यहाँ पे उसका दोस्त उसके साथ बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। प्रिंस से पूछता है कि मैंने सुना है आजकल तुम माउंटेन पे हो,
टीचर प्रिंस कहते हैं हाँ मैं वहाँ पे बच्चों को पढ़ाता हूँ। साथ में यहाँ पे उसका दोस्त कहने लगता है आई थिंक तुम्हें ये पर्सन भी वहीं पे मिला होगा। तो यहाँ पे उससे कहता है प्रिंस हाँ, और प्रिंस देखने लग जाता है फा की तरफ। हम देखते हैं फा एक लड़की से बातें करने लगता है। तो यहाँ पे उस सीन जो होता है उसका दोस्त प्रिंस का, वो प्रिंस से कह रहा होता है एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी है क्योंकि मैं तुम्हें काफ़ी मिस करता हूँ और मैं चाहता हूँ हम दोनों फिर से साथ में आ जाए। लेकिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं होता प्रिंस का। प्रिंस का पूरा ध्यान तो फा पर होता है और फा को उस लड़की के साथ देखकर काफ़ी जेलस फील करता है प्रिंस, और वहाँ पे पहुँच जाता है और उसे अपने साथ लेकर दूर चला जाता है। और फिर कहने लगता है कि तुम क्या कर रहे थे उस लड़की के साथ। फा कहता है कुछ नहीं, बस मैं तो उससे नॉर्मली बातें कर रहा था। यहाँ पे फा उससे कहता है क्या हुआ, तुम जेलस फील कर रहे हो क्या। प्रिंस कहने लगता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उससे कहता है प्रिंस कि अब तुम क्या करोगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं एकदम से फा उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे किस करता है और कहता है ये ठीक है, अब तुम्हारा गुस्सा कम हुआ क्या। यहाँ पे उसे बहुत ध्यान से प्रिंस देखता रहता है। तभी उसके पास उसके दोस्तों के मैसेज आते हैं। तो यहाँ पे प्रिंस कहता है मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। यहाँ पे प्रिंस का हाथ पकड़ लेता है फा और कहने लगता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा ताकि तुम्हारे दोस्तों को पता चल सके कि माउंटेन पे एक डॉक्टर है जो कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकता है। तो यहाँ पे फिर अपने साथ प्रिंस लेके चला जाता है फा को भी। आगे हम देखते हैं वो लोग एक क्लब में पहुंच जाते हैं। तो सिन आवाज़ देके प्रिंस को बुलाता है अपने साइड में बैठने के लिए, लेकिन यहाँ पे सिन के साइड में बैठ जाता है फा और उसके दोस्तों से कहने लगता है कि मैं प्रिंस का खास दोस्त हूँ। और यहाँ पे प्रिंस और फा एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे जेलस फील कर रहा होता है सिन, मतलब एक तरीके से फा भी उसे काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है। उसके बाद हम वॉशरूम में देखते हैं जहाँ पे फा अपने हैंड वॉश कर रहा होता है। तो वहाँ पे सिन आ जाता है और उसे कहने लगता है क्या एंट्री ली थी तुमने, काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे उसे कहने लगता है फा कि मैं किसी को बताना चाहता हूँ कुछ। यहाँ पे उसे कहता है सिन एक्चुअली तुम्हें डर है कि मैं प्रिंस को चुरा लूँगा, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला क्योंकि प्रिंस वो पर्सन है जिसे उस टाइप का एक पार्टनर चाहिए जो हमेशा उसका ख्याल रख सके। फा उससे कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। तो यहाँ पर उससे कहने लगता है सिन कि मुझे पता चला है कि तुम डॉक्टर हो तो काफ़ी बिजी रहोगे, वैसे तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ में आ जाओ, बट एक्चुअली जब तुम बिजी रहोगे तो प्रिंस का ध्यान कौन रखेगा। मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रिंस के साथ कोई ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता सके और उसका ज़्यादा ख्याल रख सके। यहाँ पर उससे कहने लगता है आगे सिन आई होप तुम समझ सकते हो। यहाँ पे उससे कुछ नहीं कहता फा और चुपचाप चला जाता है। आगे हम देखते हैं फा वापस आके बैठ जाता है प्रिंस के पास, पर उसका मूड थोड़ा ऑफ होता है। प्रिंस उससे कहता है क्या हुआ, तुम ठीक हो क्या। तो यहाँ पे फा कहता है मैं ठीक हूँ, तुम अपना ड्रिंक इंजॉय करो। थोड़ी देर में हम देखते हैं वहाँ पे सिन भी आके बैठ जाता है और अपने दोस्तों से ड्रिंक करने के लिए बोलने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मूड ऑफ होता है फा का, जिसे नोटिस कर रहा होता है प्रिंस भी। हम देखते हैं तभी फा के पास कॉल आती है, तो वो उस कॉल को रिसीव करने के लिए बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे जीजे और मिसा की कॉल होती है, वो उनसे बात करता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कहती है मुझे ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे ना वो उसे ट्रीट करने के लिए ले जाने लगता है एक वेटर की मदद से फर्स्ट एड रूम में। तो यहाँ पे फा को जाते हुए देख लेता है प्रिंस और वो उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन सिन उसे रोक देता है। हम देखते हैं प्रिंस काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और एक तरीके से बेहोश सा हो जाता है, तो उसे काफ़ी ध्यान से देखता रहता है सिन। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डॉक्टर फा उस लेडी का ट्रीटमेंट करके वहाँ से बाहर आ जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे सिन उठाने की कोशिश करता है प्रिंस को और उससे कहता है कि तुमने काफ़ी ड्रंक कर लिया, तुम मेरे साथ घर चलो। लेकिन प्रिंस यहाँ पे सिर्फ फा का ही नाम ले रहा होता है। तो यहाँ पे उस सीन उससे कहता है आई थिंक तुम्हारा दोस्त उस लड़की के साथ कुछ ज़्यादा ही इंजॉय कर रहा है। तभी हम देखते हैं पीछे से आ जाता है फा और कहने लगता है कि जो तुम्हें पता नहीं है उस बारे में तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहिए। तो वहाँ पर वो लड़की आती है और थैंक्स कहने लगती है फा से कि आपने मेरी हेल्प की। यहाँ पर हम देखते हैं कि फा अपने साथ प्रिंस को वहाँ से ले जाने लगता है, तो सीन को बुरा लगता है। हम देखते हैं फा कार में बिठा देता है प्रिंस को। तो यहाँ पे प्रिंस सवाल करने लगता है फा से कि तुम वापस क्यों आए, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उस लड़की के साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए था। फा उसे बताता है कि उसे ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, मैं सिर्फ उसे फर्स्ट एड दे रहा था। यहाँ पे उसे कहने लगता है फिर प्रिंस तुम थोड़े चेंज लग रहे हो। यहाँ पे कहता है उससे फा एक्चुअली मेरे माइंड में कुछ बातें चल रही है, तुम्हें नहीं लगता कि हमारा रिलेशनशिप कुछ वियर्ड है।
प्रिंस पूछता है कैसे, तो यहाँ पे उसे कहने लगता है वाह आज पहली बार मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में जाना, तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता है, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो, कल को जब हम वापस जाएंगे तो मैं अपने घर जाने के बाद काम में बिजी हो जाऊँगा, तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊँगा, तो क्या तुम ये सब कुछ हैंडल कर पाओगे। यहाँ पे हम देखते हैं प्रिंस कुछ नहीं बोलता और उसे किस करता है और उसके बाद कहता है ये सब कुछ प्रोसेस करना काफ़ी मुश्किल होगा। यहाँ पे उसे पा कहता है पता नहीं मैं इस समय क्या बातें कर रहा हूँ, मेरा दिमाग सेंस में नहीं है, और यहाँ पे वो भी फिर उसे किस करने लग जाता है। दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे फिनिश हो जाता है। अब जानेंगे कि आगे क्या होता है आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।